गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी देखिए, वो हिंदी का बुक शब्दधाम है ना। शब्दधाम बुक में मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था आप लोगों को, अ से ज्ञानी तक। देखिए ये है इस वाले पेज में अ से ज्ञानी तक है ना। अ से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईट, छोटा सा उल्लू, बड़ा सा ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ए से एनम, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अन खाली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, निया खाली। उसके बाद ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अण खाली। उसके बाद त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवा, ध से धनुष, न से नल। उसके बाद प से पतंग, फ से फल, व से बकरी, भ से भालू, म से मछली। उसके बाद य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक्त, स से सलजम, स से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल है ना। उसके बाद देखो छ से छतरी, त से त्रिशूल, ग से ज्ञानी, स से श्रमिक। यह हो गया अ से ज्ञानी तक। हम सही से मैंने उस दिन भी बोली थी, आज भी कह रही हूँ, अ से ज्ञानी तक सही से हम कम्प्लीटली याद रखेंगे है ना। कम्प्लीटली अगर हम याद रखेंगे तो उसमें हम दो अक्षर, तीन अक्षर, चार अक्षर भी सब लिख पाएंगे और बाद के अक्षर, बीच के अक्षर, पहले के अक्षर भी हम लिख पाएंगे। मैं आज बाद के अक्षर के बारे में समझाऊंगी और बताऊंगी कैसे लिखना। पांच लाइन की हिंदी वाली कॉपी में आप आज का डेट भी डालना, 13/7/2020, और बाद के अक्षर लिखना। क्या लिखना? बाद के अक्षर। बाद के अक्षर देखिए बच्चों मैं कैसे लिख रही हूँ। पहले देखिए ऊपर हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखना नहीं भूलना और डेट डालना नहीं भूलना। हेडिंग जरूर लिखना, बाद के अक्षर लिखना ऊपर हेडिंग, बाद के अक्षर। बाद के अक्षर में हम क्या लिखेंगे? पहले पहले लिखेंगे अ से अनार के बाद क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों? अ से अनार के बाद बड़ा से आम, यहाँ लिखेंगे बड़ा से आम है ना। या तो यहाँ लिखेंगे नहीं तो डेस्क की ऊपर लिखेंगे, ठीक है? बड़ा से आम ऐसे लिखना।
कंप्लीट याद करेंगे तो हम तुरंत लिख पाएंगे। ठीक है, बाद के अक्षर, बीच के अक्षर, पहले के अक्षर हम तुरंत लिख पाएंगे, इसीलिए अशब्द यानी तो कंप्लीट याद होना जरूरी है। आप लोग घर पे अशब्द यानी तो कंप्लीट याद करना, तब जाके हम लिख पाएंगे। ठीक है, असना की है बाद की अक्षर, असना के बाद क्या आएगा, बड़ा से आम, छोटा सा उल्ली के बाद क्या आएगा, बड़ा सा फूल, कबूतर के बाद आएगा ख से खरगोश, छ चम्मच के बाद आएगा छ से छतरी, तो टमाटर के बाद आएगा ख से ठठेरा, तो तरबूज के बाद आएगा ख से खरगोश, धनुष के बाद आएगा न से नल, व पतंग के बाद आएगा फ से फल, व मछली के बाद आएगा य से यम, ल लट्टू के बाद आएगा व वक, स संजम के बाद आएगा स से षटकोण, ह हल के बाद आएगा छ से छतरी। यह हो गया हमारा बाद की अक्षर। बच्चे हिंदी वाली कॉपी में इसको लिखना और मेरे पास आकर नाम चेक करूंगी। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।